बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। इसमें हम वीआईपी सहित भाजपा नेता हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो वहीं बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। तो वहीं सरकार गठन से पहले बीजेपी के सांसद ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी में संशोधन करने की मांग भी की है और उनका कहना है कि इससे राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो एनडीए बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सभी फैसले लिए जाएंगे। तो वहीं आज आपको बता दें, वहीं आज विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी और बीजेपी नेता संजय जायसवाल, सुशील मोदी, नागेंद्र सिंह, नित्यानंद राय सहित अन्य नेता पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत के साथ जीत हुई है। 125 सीट के साथ एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। तो वहीं विपक्ष के महागठबंधन ने महज 110 सीट पर सिमट कर रह गई और बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार हुई। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आगामी 15 नवंबर को 12:30 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।